मध्य प्रदेश में इसी वर्ष विधानसभा चुनाव संपन्न होने हैं। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कर्मचारी वर्ग अपनी मांगों को लेकर आंदोलन और धरना प्रदर्शन कर हड़ताल कर रहे हैं। इसी संबंध में अशोकनगर जिले के कलेक्टर कार्यालय के बाहर भी रोजगार सहायकों के द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। ये धरना प्रदर्शन बीते 10 दिनों से लगातार किया जा रहा है। वहीं अपनी विभिन्न मांगों को लेकर रोजगार सहायक कलेक्टर कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे हैं। वहीं दूसरी ओर शासन और प्रशासन की तरफ से रोजगार सहायकों पर दबाव बनाया जा रहा है। ये देखिए खास रिपोर्ट। अशोकनगर जिले के कलेक्टर कार्यालय के बाहर रोजगार सहायकों के द्वारा अपनी मांगों को लेकर लगातार 10 दिनों से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन प्रशासन के द्वारा अशोकनगर जिले के अंतर्गत जनपद पंचायत मुंगावली के ग्राम पंचायत खोक्सी के रोजगार सहायक आनंद राय को जिला पंचायत द्वारा नोटिस थमाया गया है। इस संबंध में कल रोजगार सहायकों द्वारा समूह के इस्तीफा देने की बात रोजगार सहायकों ने कही है। रोजगार सहायकों का कहना है कि अगर जल्द से जल्द हमारी मांगों को पूरा और कई रोजगार सहायकों को बहाल नहीं किया जाता तो अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए प्रतिबंध होंगे। कल आखिरी है, मतलब आखिरी है और प्रदेश स्तरीय जो सूचना है वो आगे भी अनिश्चितकालीन हो सकती है। हम लोग अभी शांति पूर्वक धरना 20 तारीख से कर रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन द्वारा कोई हमारी अभी सुनवाई नहीं हुई है। लेकिन क्योंकि हम लोग अभी हड़ताल पे हैं, हमारे सभी भाई जब हड़ताल कर रहे हैं तो कोई भी है ना, पंचायत के सारे काम ठप हैं, कोई भी कुछ काम नहीं कर रहा, लेकिन शासन प्रशासन द्वारा लगातार हम लोगों को दबाव बनाया जा रहा है। उस दबाव में हमारे कल एक रोजगार सहायक की सेवा समाप्त की है और कल हम मुझे और मेरे 3 साथियों को सेवा समाप्ति का नोटिस जारी किया गया है। शासन द्वारा हमें दबाया जा रहा है कि हम लोग कैसे करके हड़ताल से वापस आएँ और सुनवाई करने के लिए कोई भी अभी शासन प्रशासन से। हमारा स्टेप ये है कि अगर हमारी जो साथी हैं उनकी सेवा समाप्ति वापस नहीं होती है और जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं यदि वो नहीं रुकती हैं तो कल तक हम लोग अगर हमें शासन से कोई जानकारी नहीं मिलती है, उस चीज़ पे दबाव जो बनाया जा रहा है वो दबाव नहीं ख़त्म होता है, तो कल हम लोग निर्णय किया है कि हम सभी लोग पूरे जिले के साथी मिलकर सामूहिक इस्तीफा शासन को सौंपें। इसके बाद अब देखना होगा कि अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे रोजगार सहायकों पर प्रशासन कितना और दबाव बनाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, अशोकनगर।